army. Really good to see you. Thank you, sir. Thank you so much. मैं आज होस्ट कर रहा हूँ पहली बार, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने कभी लाइफ में होस्ट नहीं किया है आज तक. हमेशा एक्ट करता आया, डांस करता आया, मुझे वही दो चीज़ें आती हैं. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड व्हेन IWM केम टू मी के आपको आप क्या होस्ट करना चाहेंगे, आई वाज लाइक व्हाई नॉट. सो यू नो दिस इज अ प्लेजर फॉर मी एक्चुअली टू कम ओवर हियर टू दिस प्लेटफॉर्म विद ऑल बालाजी एंड टू होस्ट दीज अवार्ड्स. सो दैट्स इट्स ऑलवेज वेन यू स्टेप अप सम इनटू समथिंग न्यू, इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग. बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं इसको एज अ चैलेंज नहीं, एज अ न्यू वेंचर ऑफ लाइफ लेना चाहता हूँ कि इसके आगे क्या मैं होस्टिंग कर पाऊंगा. वुड आई बी एबल टू स्टार्ट होस्टिंग ऑन ऑन. सो दैट्स वन थिंग आई रियली वांट टेस्ट अपॉन माई सेल्फ. सो दैट्स ऑफकोर्स वाई नॉट, इट्स अ प्लेजर आई थिंक फॉर एवरी वन व्होएवर इज देयर इन द एक्टिंग इंडस्ट्री, इन द शोबिज बिजनेस. आई थिंक इट्स अ प्लेजर. सो कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो. हाँ जी, इट्स नॉट वरीज. मैं इतना एक्साइटेड हूँ आज कि मुझे सबसे मिलने का मौका मिलेगा. एंड यू नो सो वरीज है ही नहीं. आई एम जस्ट बींग माई सेल्फ बिकॉज दैट्स व्हाट अ होस्ट इज सपोज टू बी. एंड आई एम नाउ ट्राइंग टू होस्ट माई सेल्फ द वे आई एम. सो दैट्स राइट. थैंक यू. हाँ जी, मेरे नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, दैट आई एम नाउ will be shooting soon with all Balaji only. That's going to be Punch Beat. So I'm really preparing for that. Uske liye jaldi se main thoda sa bhi underground ho jaunga, dikhna band ho jaunga kuch time ke liye, because I have to work upon the character and myself completely transforming, because thoda sa young dikhna hai, school ki story hai. So that's what I'm right now focusing on. So inshallah that's one of the biggest web series we are targeting as. So we are quite excited for this. So thank you so much guys. Thank you. एक साथ सारे हो जाएंगे ना, एक साथ सारे फिनिश हो जाएंगे ना इसमें. यू वांट इंडिविजुअल. Yes, it's a new beginning. I think it's a new beginning for us also because ये एक अलग different genre है जहाँ पे हम लोग भी अपनी शुरुआत करने वाले हैं. तो बहुत excited भी हूँ और बहुत मज़ा भी आ रहा है definitely. हाँ, मेरा एक बिन बुलाए मेहमान सीजन 2 करके एक सीरीज़ है जो कि लॉन्च हो रहा है आज यहाँ पे. सो आज उसका टीज़र रिलीज़ होने वाला है. सो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैं डिजिटल मीडियम पे काम कर रहा हूँ. सो देखते हैं. एंड आई थिंक फर्स्ट अवार्ड्स भी है. सो एक नया एक्सपीरियंस होगा. कौन कौन नॉमिनेटेड है अभी ये भी नहीं पता है, अंदर जा करके पता चलेगा. आप किसी का नाम बताइए तो मैं डेफिनेटली सोचती हूं. सो मेनी यू नो वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे. द एज बहुत फेमस है. विवेक विवेक बताए हैं बहुत से और अदर आर्टिस्ट.
ऐसी बहुत सारी स्मॉल स्मॉल अगर बोले तो छवि जिनका शो यश ने अभी किया है, मैं डेफिनेटली चाहूँगी वो अवार्ड जीते बिकॉज उनके बहुत सारे उनके सीरीज आ चुके हैं तो उनको देखना चाहूँगी। अदिति मेरी फ्रेंड है, वो बहुत सारा कर चुकी है, कबूल है मैं मेरे साथ में थी, उसे वो देखना चाहूँगी। हाँ तो बिन बुलाए मेहमान हमारी ज़िंदगी में होता है ना, हमारी ज़िंदगी में आम ज़िंदगी में अभी भी कैसे हो रहा है कि इतने सारे मेहमान बिना बुलाए आए जा रहे हैं। सो वैसे ही हमारे इस शो में भी जो हमारा सीरीज़ है उसमें ऐसा ही कुछ होता है कि एक कपल है और उनके ज़िंदगी में एक अचानक से बिन बुलाए मेहमान पहुँच जाता है, तो अब कैसे कैसे क्या क्या यू नो जो स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी होती है। वैसे भी मेहमान सिर्फ एक दिया दो दिन ही अच्छा लगता है ना, ज़्यादा दिन रुकता है तो वो मेहमान ही, ये मेहमान कुछ लंबे टाइम के लिए आता है। तो इसके लिए लुक के लिए तो आम्रपाली एज यूजुअल बहुत खूबसूरत लग रही हैं एंड जैसा कि ये क्लेम कर रही हैं तो शायद ये कलर और ये साड़ी मैंने चूज़ की है, मतलब आज मैंने जो कपड़े पहने हैं या मैंने जो लुक डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन बाय यश, तो आप तो सोच ही सकते हैं जब हस्बैंड डिज़ाइन करे तो आप कितने खूबसूरत लगे। But they are standing there. Some of my friends are also nominated, Bose, the writer, the director, everyone is nominated. I'm really looking forward to have some good awards being given to good talented people, and that's about it. Yeah. Yes, Reshu has written Bose, Pulkit has directed Bose, and Rajkumar Rao is the actor who's nominated, and I'm really looking forward because it's a very good web series, and yeah, that's about it. Of course, I think you should see more of my films. There are many more. Jugni, Mithila Makhan won the National Award, and there was Bharat Company, and there are two more films coming up now. So yeah. Thank you so much. सब रोलिंग हो रहे हैं। अरे बैंग बैंग चलाओगे कि नहीं चलाओगे? एकदम करके बता, चलो बैंग बैंग बोल के दो। हाँ चल, आर यू रेडी? बैंग बैंग है, बैंग बैंग रेडी है क्या? बहुत लाउड करेंगे फिर। चलो ऑलराइट एवरीबॉडी, मेरा नया गाना और आपको तो पता ही है, थोड़ा और प्रोड्यूसर है मैं पंजाब के साथ, एंड आई एम वर्किंग विद यूके ब्लड लाइन, एंड द फर्स्ट सॉन्ग इज आई गॉट द गर्ल्स जैसे बत्ते एक एक फोड़े Peace out, man. Digital Awards, we love you. All Balaji, thank you very much. We're going to have an awesome time. Peace out. You got the energy? You got the energy. Thank you.
nominations, two nominations at the same time. इधर इधर where am I supposed to look? What? I know. What? Isn't that amazing? Where am I supposed to look? इधर ही. काफी excitement है because first digital awards हैं तो obviously we are looking forward to it. I've been working on this platform for the last 2 years, so obviously this was quite unexpected ki aisa bhi kuch hoga. So it's a unique concept, and our team has been nominated in various categories, so obviously it's very important, and we are very excited about it. You this or you want to come to you? Hi. Hello, kaisa bhai? Aditi ma'am. मैं चालू हो जाए यार, अभी चालू हो रहा है, अब काट रहा है बीच में. बोलो भाई कैसा है? हाँ बिल्कुल यार, मैं इस माध्यम में बहुत बिलीव करता हूँ. मुझे लगता है ये भविष्य है हमारी इंडस्ट्री का. जैसे मैंने टेस्ट केस किया है, वो नॉमिनेटेड है, इट्स नॉट सो सिंपल दानिश असलम की, वो भी नॉमिनेटेड है. तो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म लोगों तक ये शो पहुँचाएगा और वेरियस शोज पहुँचाएगा, बिकॉज यही फ्यूचर है. आप भी मोबाइल पर देखते हो, सब आईपैड पर देखते हैं, सिनेमा जा रहे हैं लोग, बट ये भी एक माध्यम बन चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है. मैं एक बारकोड किया अभी मैंने रिसेंटली, कुमार मंगत, अभिषेक पाठक, जिन्होंने प्यार का पंचनामा और ओमकारा तक फिल्में प्रोड्यूस की हुई हैं, वो किया मैंने रिसेंटली. तो विघ्नेश शेट्टी ने उसको डायरेक्ट किया. मुझे लगता है बहुत बढ़िया शो है वो, तो आई थिंक मार्च में आएगा और वो हंगामा का प्लेटफॉर्म वहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसको लेकर काफ़ी चल. बोली बोली अब क्या ये लुक का अटायर? यार कुछ नहीं, डिफरेंट लुक एक फिल्म के लिए है. मैं जंगली कर रहा हूँ अभी, और जंगली अभी कंप्लीट हुई है, तो ये लुक उसके लिए था, दाढ़ी वगैरह तो वो रखा था मैंने. और जंगली चक रसेल की फिल्म है, जिन्होंने जिम कैरी द मास्क बनाई थी, तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी फिल्म बनी है, तो देखते हैं क्या होता है. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. सी यू ब्रदर. हेलो एवरीबॉडी, हाय. कभी कोई सवाल पूछेगा या सीधा मैं जवाब दूं? आई थिंक डिजिटलाइज वर्जन इज द नेक्स्ट थिंग विच इज अपकमिंग थिंग, विच इज नॉट इवन अपकमिंग नाउ. ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि डिजिटल वर्जन कितना, ये प्लेटफॉर्म कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड इट कैन रीच टू ग्लोबली एवरीवेयर, ऑल द प्लेसेस. और अभी तक कोई ऐसे अवार्ड फंक्शन शुरू नहीं हुए थे, एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग विच वॉज मच नीडेड. And I'm happy that it started now eventually, and there's more potential to the digital platform. इससे भी ज़्यादा. और मैं खुश हूँ इस बात से कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द वेरी फर्स्ट इवेंट ऑफ अवार्ड फंक्शन ऑफ दिस डिजिटल वर्ल्ड. सो यू सी इट्स ग्रोइंग एंड इट विल बी ग्रोइंग मोर. सो मुझे जहाँ तक पता है हमारी बहुत सी नॉमिनेशन है SIT की, शेडी आइडियाज ट्रेंडिंग की, एंड आई हैव डन अ शो विद देम दिस टाइम एज बिन बुलाए मेहमान के, जो सीजन 2 विच इज़ कमिंग अप वेरी सून. सो आई विल बी विशिंग बेस्ट फॉर देम ऑफ कोर्स, एंड या तो मैं यही कहूँगा कि हाँ हमें ही जीतना चाहिए एज यूजुअल. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबॉडी. एवरीबॉडी nothing, a lot of fun, a lot of quirkiness all over the place. So yes, I'm excited about the awards this time. I can't hear you, that's why I'm looking at you.
I think it's a fabulous start. This is the first time I'm attending any digital award, and being a part of it, it makes it amazing. I think I really want to, you know, promote this platform more. I think I want to promote Shitty Ideas Trending more, because this is like the coolest place I've worked with them. So yes, and yeah. Anything else? Shitty Ideas Trending tonight all over the place. Welcome. Thank you. Oh, visuals. What's happening? I think the digital platform is expanding and it's going bigger and bigger, and India is at this cusp of like this huge revolution. And pehle ke zamane mein pehle films thi, phir television tha, ab digital is huge and all of us are hooked onto our phones 24/7. To bahut hi acha kaam kar rahe Indian Wikimedia ki ye awards rakhe hain to promote digital content, and jitna acha content ho hum consumers ke liye acha hai, and I'm really excited for it. वेल एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगर डिजिटल अवार्ड्स है तो आई एम श्योर बहुत अलग चीज़ें होंगी जो नॉर्मल अवार्ड फंक्शंस में नहीं होती हैं. सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग क्या होगा नया स्टेज पे. वेल आई एम हियर बिकॉज मेरी शॉर्ट फिल्म शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग के साथ मैंने जो की थी द राइट टाइम, उसको नॉमिनेट किया गया है शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में. आई एक्टेड इन द फिल्म विद नमित दास, माई को एक्टर. आज वो नहीं है, ही इज़ ट्रैवलिंग. So we are here for that, and I'm also presenting an award. Well, I'm just wearing flared pants and a one shoulder. So yeah. Thank you. Thank you. Sorry. Thank you. Sorry? My film has been nominated to a new beginning. So I'm doing television after a long time, and it's good to be here. And I hope ki hum log jeete, hamari film jeete. So arre bilkul ummeed nahi ki thi, kyunki itni sari short films banti hain aur unme se top 5 mein aana bhi apne aap mein jeet hai. And so it's been a good year. I hope ki aaj hum jeete, and I think it's much better organized than what I expected. I thought digital hai to mobile hai to chota sa hoga, but it's as big as any good award function. So I think it's the evening is going to be filled with surprises. Thank you. Thank you. मेरी स्टाइलिस्ट ने बहुत मेहनत की है ये अटायर लाने के लिए. सो आई रियली लाइक्ड इट, एंड पिंक इज रियली माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स. एंड ऑफ कोर्स इट हैड टू बी पिंक एंड सिल्वर, एंड आई थिंक ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेन्स डे व्हिच हैज बीन लाइक टू डेज अगो, पिंक वाज एप्रोप्रिएट. थैंक यू. थैंक यू. They're busy. We're all busy. Right? No, we are not talking. Are we waiting for? Should I
Anything? I'm very excited because this is the first time ki digital awards ho rahe hain aur main nominate hui hu, so it's very fascinating. Actually, I bought this from Bandra. I'm not a brand conscious person, so whatever comes to my mind for comfort and look, I just wear it. Something with Alt only. I can't talk much about it, but soon. Thank you. Thank you. The digital platform is the most happening platform right now. लोगों को कुछ कहना होता है personally तो भी लोग digitally आजकल जाहिर कर देते हैं और उसका reach is beyond comparison. तो काफ़ी time से छोटे तरीके से web series या short films start हो चुके थे but I think इसका कोई awards नहीं था तो उस किसी को सराहा नहीं जा रहा था. But this is a proper platform wherein लोगों को awards दिए जाएंगे और इसके साथ और भी लोग आएंगे रुक करेंगे web series के तरफ. Right now मैंने अभी तक तो किया नहीं है but जिस तरीके से इसके importance बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से लोग इसको importantly ले रहे हैं, in fact I have also started watching a few, so definitely मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. गुरमीत का एक्सपीरियंस तो उसी से पूछिए, उसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग सब मुझसे पूछते रहते हैं, वो अच्छी बात नहीं है. हिज फिल्म आई थिंक ही शुड टॉक अबाउट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड ओनली अबाउट इट. आई एम वेयरिंग ऑल गोल्ड एंड इट्स अ रस्ट गोल्ड. I am wearing this because I wanted to wear this or Congratulations, big, big event. Congratulations. How soon can I get out after giving the award? Why he is eating my head? Thank you, man. So sweet. First time here ever. So thankful that digital awards kuch ho raha hai. Digital has become the president now. So I'm happy.
हाँ बिल्कुल भी, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना सारे लोग होंगे यहाँ पे, बट आई एम हैप्पी दैट डिजिटल इज कैचिंग अप सो मच, सारे एक ही साथ हैं. डेफिनेटली यार, डेफिनेटली. मर्जी बोलो. हाँ करेक्ट, कुछ भी बोलो, कुछ भी एक्सप्रेस करो, क्रिएटिव फ्रीडम बहुत ज़्यादा है, सो आई एम हैप्पी. कई लोग खुल जाते हैं ज़्यादा, खुले दिल के हैं वो. ओए कैमरा मत काट, सॉरी ले ले रहा सर. हाँ कपल ऑफ मिस्टेक्स यार, डूइंग वेरी वेल, टच वुड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी. टच वुड डूइंग वेल, सो हैप्पी अबाउट इट. सॉरी किसको चाहूँगा, सारे अपने भाई हैं यार, जो भी मिल जाए, जो भी मिल जाए अच्छी बात है, जिसको भी मिले. मैं तो देने आया हूँ यहाँ पे, अभी स्टार्ट ही करा है, सो आई एम होपिंग दैट ऑल माई फ्रेंड्स विल विन इट. आप भी कुछ पूछो, पूछो. अच्छा जाओ. जितनी सबको है यहाँ पे, आप सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो ऑब्वियसली इट्स क्वाइट एक्साइटिंग. इट्स द फर्स्ट डिजिटल अवार्ड्स एंड आई थिंक द वर्ल्ड इज गोइंग डिजिटल, सो यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. या आई थिंक मीन टू से जैसे टीवी के लोगों को एक ज़माने में रिकग्निशन मिली थी, आई थिंक अगले कुछ सालों में डिजिटल इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर देम टू स्टार्ट an awards for them and to get a platform for recognition. I got the news when y'all got the news, so I don't have any news regarding that. I didn't get your question. That's a show that made me who I am today, so I would love to, but it all depends on the makers, it all depends on what the story now is all about. But yeah, I wish them all the best. One second, I'm going to leave from you. Of course, I think it's the first digital awards function, at least the one I'm attending, and definitely a good start because people are doing so much work digitally, and it's a medium which is like a galaxy. You can't contain it. You know, it's unlimited access to people all over the world. So there should be recognition. There should be functions, and I'm sure these awards will be definitely more genuine than many of our film award functions.
Of course, I mean, you can reach out to people at any time of the day, speaking any language, and to people in any part of the world. So the creativity can go to any extent, and you can really do all kinds of things because you're targeting all kinds of people. I think it's too early to talk about expectations. I think the sky is the limit, and we just have to do good work and see where it takes us. The sky is the limit, and Balaji is everywhere. Haji? Sky is the limit, and Balaji is everywhere. Yeah, everyone has to get onto Alt Balaji also now. Alt Balaji is reaching everywhere, and now slowly, slowly, everybody's getting onto Alt Balaji also. Of course, I would be. I would love to do. Like how I do movies, I would love to do television, web, digital, attempt a show on a digital platform also. Why would I limit myself? I'm an actor, I would do anything that really excites me. Thank you. मेरी पहली वेब सीरीज़ है और पहली वेब सीरीज़ में पहला नॉमिनेशन, सो वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी. लोगों ने बहुत पसंद किया ये मेरे किरदार को. पहली बार मैं भूत बना हुआ, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू नो आई गॉट नॉमिनेटेड, एंड फिंगर्स क्रॉस दैट ये अवार्ड भी मिल जाए. यस ऑफ कोर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म गिव्स यू मोर लिबर्टी. आई एग्री. क्या बोल रहे हैं जी? ऐसा एक्चुअली सोचा नहीं था. जब भी हम काम करते हैं तो यू नो पूरी मेहनत से करते हैं, एंड वी डोंट एक्चुअली डू इट फॉर अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स. वी डू इट विद फुल मेहनत, सो दैट यू नो ऑल आर फैंस, पीपल हू वॉच दिस सीरीज, दे लव इट. सो एंड दीज आर ऑल द एडिशनल बेनिफिट्स विच वी गेट आउट ऑफ इट. पता नहीं, हम लोग ने साथ में काम किया था. अब अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर काम करेंगे. राइट, थैंक यू. थैंक यू. यहाँ पे हूँ. Hello, how are you guys? Thank you sir, बहुत अच्छा लगा आपको भी मिलके.
I'm expecting good. Yeah, I've always been excited to come to awards, and it's a digital award, and the Paul Balaji and everybody is just there, and you can see it behind. I'm very excited, and see what happens. I think it digital platform always has that thing, like people love it and people watch it. Even if you talk about Netflix or something like Old Balaji, it reaches to people, and it's very sahi hota hai, because kafi log connect karte hain aur kafi logon ko aur bhi acha dekhne milta hai, and they're coming up with new concept, and that is what is important. Bahut maza aa raha hai, bahut acche response mil rahe hain, and people are loving it. Kafi log do do teen teen baar dekh rahe hain, और मेरे हिसाब से आपने भी देखी होगी, और काफ़ी फ्रेंड्स के भी फ़ोन आते हैं, यार दे लाइक्ड इट अ लॉट एंड गेटिंग अ ह्यूज नाइस रिस्पांस एंड वेरी ओवरवेल्म्ड विद दैट. तो बस अभी लव सर को यही बोलूँगा, और बनाओ और हमें और लो पिक्चरों में. देर आर तो आपको बस थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ पता लग जाएगा. थैंक यू सर, थैंक यू, नाइस सर. Global Advertiser for Innovative Outdoor Solutions.